अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहेब भट्ट और आज करेंगे हम माशूक के तुफैल की तलाश बनाम सरकार। मैं लाहौर की काना काछा मार्केट में मौजूद हूँ। ये सब्जी मंडी है, एग्रीकल्चर मार्केट है। फयाज भट्टी साहब जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है वो भी हमारे साथ हैं, और मलक नवाज अवान साहब भी हमारे साथ हैं जो शिकायत सेल के चेयरमैन हैं लाहौर डिवीजन के। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। मलक साहब, हम मंडी आ गए हैं और मंडी की कुछ चीज़ें हैं जो आपसे बातचीत करनी है। सबसे पहली चीज़ तो वो बाहर जो है पैसे लेते हैं उसके बारे में बात करनी है, बाकी मंडी के अंदर बात करेंगे। भट्टी साहब हमारे साथ। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। भट्टी साहब, बाहर पैसे कितने लेते हैं? जो ये अंडर एंट्री आ रही है, जो जिस तरह ये अभी ट्राला गुजर के गया है, इस पे जो माल आ रहा है इस पे हम फीस लेते हैं। ठीक है, और जाने के जो लेते हैं? जाने के वो साइकिल स्टैंड है जो जिसका ठेका हुआ हुआ है आज से को 8 साल पहले। 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो। नहीं, उनका रेट वहाँ पे लिखा हुआ है दीवार के ऊपर। चले वो हम जाके देखते हैं। वो पैसे हमने पता करना है कौन खाता है असल में। आ जाए, आए जी, आए मलिक साहब। बस यहाँ की शिकायतें आती हैं आपको? मेरे पास शिकायतें देखिए पूरे लाहौर से, बल्कि पूरे डिवीजन से आती रहती हैं। अच्छा, छोटे मोटे जिसके जो भी मसाइल होते हैं वो मेरे पास पहुँचते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं होता है कि जितनी भी शिकायत आ रही हैं कि वो दुरुस्त हों। कुछ जाती इनकी अनाद भी होती है आपस में ना, कि मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के खिलाफ, उसने उसके साथ नहीं अच्छा किया तो उसने उसके खिलाफ, आपस में ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में आती है। लेकिन रियलिटी देखने के लिए आज जब आपने मुझे कॉल किया, आपके साथ आ गया हूँ। और वो हमेशा आते हैं इधर की। ये पट्टी साहब आज इधर ये वैसे मंडी में के अगली साइड है। ए की है ए जिसले माल खरीद लेते ना फड़ी है। हां, उस तो बाद इतने बेचते हैं। ओए होए, ए तो जुल्म कर देने फिर मंडी वाले दे नाल फड़ी है। नहीं नहीं, फड़ी है तो आरती है, आरतियां दे नाल होंदे ने ना। नहीं, कमीशन है, कमीशन एजेंट दे नाल आरती। नहीं नहीं, ए मंडी दे अंदर ही है ना। हां, ए बाहर का दी दुकानें लाई बैठे ने। ए मैं तुम दसना सर, ए गए शेड। अच्छा, एक आरतियां ओंदे कोल 11 फुट बाई 70 फुट ਦਾ ਸ਼ੈਡ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਡੀ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਧਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਡ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ। ਦੁਕਾਨੇ ਕਹਾਂ ਹੈ? ਦੁਕਾਨੇ ਇਹ ਸਾਰ ਉਧਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਟੇ ਲਈ ਹੋ। ਉਹ ਸਟੇ ਲਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਸੇ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅਭੀ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ के अंदर दुकानों से लेके बाहर दुकानें लगा लेते हैं, छोटे छोटे फड़िए लगा लेते हैं, फिर उनसे रुपये मार्केट कमेटी के लोग लेते हैं या कोई और लेते हैं, ऐसे है? कोई पैसे नहीं लेते आप? पट्टी साहब तुम नहीं लेंदे हो, कोई ना कोई तो लेंदा होगा। ये देखे मेरी बात सुने, इसमें मसला ये है की जो भी गैर कानूनी काम होगा आप कैमरे के सामने है, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं होगी। अगर इसमें दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, ये पैसे ले रहे हैं, अगर पैसे किसको जा रहे हैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ये गलत हाथों में पैसे जा रहे हैं, गलत कोई तरीके से ले रहा है, तो जो भी ले रहा है उसको सजा दी जाएगी। भाई की हाल है? सब्जी लेके चले हो जी? घर लेके चले हो या बेचने चले हो? बेचने वास्ते भाई, बेचने चले हो जी। बाहर भी जड़ी दुकानें लगी हैं, बाहर भी बेच देने जी? बाहरों लेती है, अंदरों लेती है? अंदरों ले जी। अंदरों लगी, बाहर जड़े बेच देने हैं कौन ने? पता नहीं जी। ताडे को बाहर जाने टाइम कोई पैसे लंदा? हां जी। कौन लंदा? पर्ची वाले। पर्ची वाले क्यों पैसे लंदे ने? कहंदे ने जी मंडी थी लगी ता करके लंदे ने जी। इधर आए जी, कौन आए? मुपाडी साहब, इधर इनन बुलाओ, ये सुन ले जरा, पैसे कौन लेता है? पर्ची वाले। की कहंदे ने? पर्ची लंदे ने जी। मोटरसाइकिल दी पर्ची है? हां जी। ऐ पर्ची मैनू जरा सही तरह क्लियर करनी है। फड़िए किथे ने जी? किथे ने फड़िए? भाई की हाल है? भाजी दुकाना के अंदर दुकाना ने, बाहर आके जेडे लोकी दीवार दे नाल ही इत्थे बाहर लांदे ने, दुकानदार नु नुकसान नहीं देंदे? बिल्कुल नुकसान भाजी। अच्छा, तो फिर कौन किन्नू पैसे देंदे हो तुसी? भाजी किराया दे रहे साले आ जेडे फड़े। किन्नू दे रहे हो? आरती इकट्ठे कर रहे। आरती पैसे लेंदे ने ताडे कोल? इस तरह है कि आरती नु, एक आरती नु 11x70 फुट दा शेड मार्केट ने दित्ता अंदर अंदर लोगां नु बिठा के उहनां कोलों पैसे लैंदे, उहनां कोलों पैसे लैंदा जिन्हां नु बिठा देने।
मैं यकीन है खजाने च नहीं जा रहा होना बिलकुल। एक पहली गल बंदे का नाम रह नाम का बंदा मेरे को रुपये देखो जी आ रहा जी अस मुलाजम है रुपये चेयरमैन है मशूक मेरी बात सुन लो, जो भी आइंदा से पहले से होता रहा यहाँ पे असूल के खिलाफ वो तो ठीक है हो गया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आइंदा के बाद ये नहीं होगा। आपके पास ही आ रहा हूँ, सुने हम कहते हैं आप हमारी सुने सुने सुनाए आप सुने मशूक मशूक का भी सुने। ये जरूरत ही ना पड़े, ये सारे एक जगह पे ऐसा मसला हो मंडी ऐसा मसला की ये पड़ी है तो इधर नुकसान कर करके मर गए। मेरी बात सुने एक मिनट, ये चेयरमैन साहब को इसीलिए हम साथ लेके आए हैं, ठीक है वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, उन्होंने भी यही कहा था मुझे कि जो जो वहाँ पे हो रहा है हम उसको खत्म करेंगे, उनका भी यही वजन है हमारा भी यही वजन है। किसी ने आज तक हमियत ही नहीं दी, बात हमियत अब शुरू हो गई है, यही इमरान खान का विजन है। पहली दफा हुआ है की 576 फड़िया शेड बनाए गए हैं इनके लिए, इससे पहले मार्केट कमेटी में फड़िए का कोई ना। ये मंडी है अभी हमने शुरू किया, हौली हौली आपको और चीजें दिखाते हैं। क्या हाल है भाई, भाई तू कितने पैसे देना है रेडी दे? 100 रुपए देना है रेडी अंदर ले आंदा खिला इतने खिला रहा 100 रुपया किसको देते हो देना? हाँ? तो फैल कौन है वो तो उसका मार्केट कमेटी का तो कोई मुलाजम तो फैल नहीं है, पर्ची वाले पर्ची वाले जो हैं जो स्टैंड वाले हैं। मशूक साहब उन्होंने फड़ लिया हो ना तो फैल नू, इधर आओ भाई इधर आओ, किन्ने रुपये देंगे दे बाहर जाने? रुपये देने हैं जी, अगो जो ना दिए तो बदतमीजी कर देने। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, रक्षे दे 50 रुपये ने, अदर आयो 20 रुपये ने, अच्छा साइकिल दे भी 20 रुपये ने, अच्छा अगर नहीं 40 दिते ना रक्षे वाले ने ते उन उठा लेके उन को 10 लेके ते फिर उन वके टुरन देना, वरना नहीं टुरन दे, नहीं तो सामान ला लेने रक्षे थाने। ये 20 रुपया कौन कहाँ जा रहा है? मैं अब आपको बताता हूँ, मसला ये है कि मैंने जो आपको पहले बात की है ना कि हमारी अवाम ऐसी है कि इनको पता ही नहीं है, जो भी इनके साथ ज्यादती करता है ये आराम से उसकी ज्यादती को सहते रहते हैं। मैं तो आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि अगर आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहे ना तो हमारी गवर्नमेंट एक तरफ और आप एक तरफ, और इतने इन गरीबों का फायदा हो जाएगा कि ये गरीब लोग आपको अभी अभी हम बोला ये वाला हमेशा करते हैं। आमीन। रुपया शुपया ले जा रहे हैं तो फैल साहब को ही है, वो पैसा इकट्ठा करी जा रहे हैं, खजाने में जाने की बजाय वो उनकी जेब में जाई जा रहा है, किसी की जेब में जा रहा है, वो जेब देखने आए हम किसकी है जो खजाने की जगह भरती जा रही है। मेरे साहब है ना, बिल्कुल ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौके पे हम आए हैं, लोगों ने यहाँ पे बताया है कि इस तरह से मामला हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने आज तक किसी को कंप्लेन नहीं की। ये 20 रुपए, 50 रुपए या 30 रुपए के नाम पे ये देते रहे हैं, हर बंदा दे रहा है, हर बंदा दे रहा है, लेकिन अब इसको हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ये इस तरह की दोबारा से कोई बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब आ गए, मलिक साहब जो उनसे शिकायत सेल में बार बार बता रहा हूँ आपको, लाहौर डिवीजन के चेयरमैन है, और मलिक नवाज अवान साहब जो उनसे हैं बड़े जोशीले कारकुन भी हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और वो उनके इमरान खान साहब के विजन को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन एक विजन असी भी जिंदा रखे हुए हैं मशूक साहब के साथ। किन्नू रुपये दे जा रहे हो हैं? ये पता क्या सर, वो चेयरमैन साहब ना ला रहे हो, कहते मेरे को शक्ल ही दिखाई। मैं सर 1988 का इधर काम कर रहा हूँ, बच्चा था, रुपये दे जा रहे हो, पता क्या इधर बड़ा कुछ है, अगर थोड़ा सा तामन दसो दसो भाईजान दसी जाओ। 7 माह तो मुझे हो गए हैं, पट्टी साहब ठहरो पूछन दे दियो। तकरीबन हर आरती के 6 से 7 साल इधर शेड है, हर आरती दे ओए जो फड़ी है वो पैसे दे रहे हैं, और मार्केट कमेटी वालों के भी इधर शेड है, अगर तहकीक की जाए ना सुन लो तो वो भी इधर है, लबन लबिए सी उन्होंने कमेटी के शेड की निशानदेही करनी है
उसी दिन अगर वो मार्केट कमेटी के किसी मुलाजम का हुआ वो इंशाल्लाह सस्पेंड होगा। फिर बाहर से जो सौदे लगाते हैं ना, हाँ, उनसे मंडी की दीवार के बाहर कौन सौदे लगाता है? हाँ जी, मार्केट कमेटी वाले उनसे पैसे लेते हैं। वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन ये है। सर मेरी बात सुने पट्टी साहब, तुसी कभी इन्होंने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया? सर मैं इतने डेली विजिट करना, डेली एक्शन कराना, कभी मेरे कोल नहीं आया। डेली एक्शन मशूक साहब, मशूक पूछो मशूक साहब, हम आपको देते हैं तफ्तीश के लिए। देखो जी, एक वो सोनू, ठीक है, सोनू तुफैल, तुफैल से मिला दियो, फाको फाको तुफैल दे सोनू। ओए होए, ये तो बड़े गुंडों वाले नाम है। नाजी साहब, उसमें सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो सरकारी ऑफिसर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इतना रुपया बंदा इकट्ठा कर रहे हैं सर जी, वो तो अंदर से ना प्रॉब्लम है ना, वो 10 साल तो बंदा जरा ना, जिसने ठेका लिया हुआ है उसने दांतों में 10 साल में मार्केट कमेटी को ऑक्शन। ओ तुफैल, इतना रुपया इकट्ठा करी जा रहे हैं जी, वो ताड़ी नक दे थल्ले सर जी, वो उसी ऐसे खड़ा पुरानी मंडी फाटक वाली ओथे भी इकट्ठा करदा हुंदा सी, ओथे भी करदा हुंदा सर जी, पता नहीं उस। वाह वाह वाह, ये मलिक साहब को बड़ा ही गुंडा है। ये कोई बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा कोई ग्रुप है जो 10 साल से उसने स्टे लिया हुआ है और 10 साल से जो वो पैसा यहाँ से इकट्ठा हो रहा है वो लेके जा रहा है। किधर जा रहा है? पूछने वाला नहीं है। वो कितने के चला? पता करने के लिए मार्केट कमेटी पे जा रहा है। गवर्नमेंट को वो 25 लाख समथिंग कुरा रकम है जो किस्त देता है मंथली मंथली। कौन? तुफैल? नहीं, तुफैल नहीं, उसका नाम, उसका नाम क्या है? स्टैंड का जिसने ये ठेका लिया। तुफैल कौन है? जिसे बोलो मशूक साहब, मशूक साहब तुफैल कौन? वो उनका कारकुन है। तुफैल लबना मैं सेक्रेटरी साहब, तुफैल को तो ढूंढने दे। ठीक है सर, ढूंढते हैं। मैं तुफैल को तो नहीं मैं छोड़ सकता ना। और इमरान खान साहब का विजन है कि सरकार के खजाने में पैसा डालने जेब च पाई जा रहे हैं। इंशाल्लाह हैं नाजरीन, ये तो कमाल हो गया, जेब च पाई जा रहे हैं। ये दुकानें हैं बैठते हैं। आपकी दुकान है ये? अच्छा, ये इसके पैसे किसको देते हैं आप दुकान लगाने के? ये जिन आड़तियों के नाम है ये अड्डे उनको मिले हुए हैं। अच्छा, आगे फड़िए कितने बैठाते हैं आप? हम आड़ती बैठे हुए हैं, यहाँ पर फड़िया नहीं है कोई भी। फड़िया कोई नहीं बैठा हुआ? आप भी आड़ती हैं? जी मैं भाई हैं हमारे आड़ती। अच्छा, आप भी आड़ती? बात तो सुने जी, हम आड़ती हैं। आड़ती हैं तो जो फड़िए बाहर बैठे हुए हैं जी जी, वो किसको पैसे देते हैं और आप किसको पैसे देते हैं? नहीं, हमारे तो ये गवर्नमेंट ने हमको दिए, हम तो बैठे हुए, हम किसी को पैसे नहीं देते। आप कोई पैसा नहीं देते किसी को? हमारे पास कोई फड़िया नहीं है। हम वो फड़िए बाहर कहते हैं कि आड़तियों ने फड़िए बिठाए हुए हैं बाहर? नहीं, बात तो हमारा तो लगे भी नहीं है, हम तो इधर बैठे। आपको बाहर आपको बाहर फड़िया बैठने से नुकसान है फायदा? नुकसान है, नुकसान है। तो आपने शिकायत नहीं की कभी कि बाहर सड़क पे जो बैठते हैं क्यों बैठते हैं? हमने तो कई दफा कहा, मार्केट वाले तो मना करते हैं, नहीं बैठो अंदर, बाहर नहीं बैठो। वो कहते हैं बाहर लोग जो भी बाहर बैठा होता है उसे हम उसका नुकसान करते हैं, उसे उठाते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास आए हमें पता चल जाए, डेली आप देखेंगे सड़क इस वक्त क्लियर है, ठीक है। आज तो मलिक साहब आ रहे थे ना, मलिक साहब आपने 7:30 बजे मैं आ गए थे आप इधर? नहीं आज नहीं, मैं तकरीबन 6:30 आज मैं आया हूँ तकरीबन 10 बजे। सेक्रेटरी साहब बात सुनिए, इधर आए, इधर 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 मैं कैमरे के सामने है। ये लोगों से जो पैसे ले रहा बंदा, हाँ जी, वो तो बड़ा काम खराब कर रहा है आपका भी सर को। वो मसला वो ठेकेदार ही है सर, मैंने आपको पहले बताया। अगर मलिक साहब वो रोज के हिसाब से जिस तरह रुपया इकट्ठा कर रहा है तो लाखों में रुपया इकट्ठा कर रहा है, कोई शक नहीं है इसमें, वो लाखों में रुपया इकट्ठा कर रहा है। लेकिन वो यही तो मसला है सर जी, इस वक्त यही तो मसला है कि इसी के लिए तो हम इधर आए हैं, ये पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं? हमने ठेका वो 8-9 साल तो उसने ठेका होने नहीं दिया। हां जी, ठेका क्यों नहीं पड़ा रहा है ना? अब हमने डीसीओ साहब को फैसला कर दिया, हम अब इश्तेहार आज दे रहे हैं, 25 और 28 को हम इश्तेहार होगा, दोबारा बंदा ऑक्शन में ठेका देगा, ये खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप मंडी दोबारा आते हैं या मंडी का कोई बंदा ये देख रहा है या इवन तुफैल साहब ही देख रहे हैं, तो आज के बाद अगर ये काम होगा तो ये मलिक नवाज अवान साहब है, मलिक नवाज अवान साहब चेयरमैन है लाहौर डिवीजन के, वजीर अला शिकायत सेल के, शिकायत जरूर कीजिएगा और हमें हमारा नंबर रीच चल रहा है, बताइएगा जरूर इसके बाद हुआ क्या है। आई मलिक साहब, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशानी लेनी है, घबराना नहीं है आपने।
मेरा सवाल सादा सा है। हाँ जी। आड़ती होंगे यहाँ पर थोड़े से, बढ़िए भी थोड़े से थोड़े होंगे ना, ये जो कस्टमर यहाँ पर आता है ये किस चीज के पैसे देता है उनको, या ये फड़िया किस चीज के पैसे देता है, ये किसको पैसे दे रहे हैं? कस्टम सिर्फ देता बंदा जरा साइकिल से जिसने ठेका लिया है ना, साइकिल स्टैंड, साइकिल स्टैंड वाला भी रोला है, पैसे लेता है, रोला सिर्फ वही है। साइकिल स्टैंड एक बारी बात सुने, इधर से भी खुली है उधर से भी खुली है, वो साइकिल स्टैंड और रिक्शा स्टैंड कौन सा कहाँ लगता है? दरवाजा है ना उधर से, वो जाता है ना उधर खड़ा हो जाता है, इधर भी आता है वो, सिर्फ उससे अलावा कोई साजी एक रुपया नहीं को बंदा दे सकता। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम माजी, की हाल? आराम ना शॉपिंग कर ली जी? वो परेशानी तो नहीं हुई? सब ठीक है। बाहर जाने में कितने पैसे दे के जाएंगे? अभी पहली दफा आया इधर तो अभी पता नहीं है। अच्छा चले खैर से दे के जाए, 20 रुपए देने हैं, बाइट निकाल लें, पूछ के दीजिएगा कहाँ लगाओगे 20 रुपए। मोटरसाइकिल के वैसे 10 रुपए होते हैं, 20 रुपए क्यों लेने देने हैं? वो ना जो हमसे पहले का हुआ है ये ठेका, आज से 8-10 साल एक हमसे पहले हुआ है किया हुआ है, मुझे तो 20 रुपए किस चीज के देते हैं वो? सर जी पहले अप्रूवल की था साहब ने, तो 8-9 साल तो चल रहा है ठेका पहले से। मलिक साहब हमारे से पहले से काम हो रहा है ये सारा, जितना भी काम हो रहा है ये बहुत देर पहले से है, इनको आज तक किसी बंदे ने पूछा ही नहीं है। 2.5 साल हो गए, किसी ने कोई बात, हमें भी 2.5 साल हो गए ना, 2.5 साल ही हो गए नहीं, हमें आपको 2.5 साल हो गए पीछे से, वैसे 70 साल से ही ऐसे चल रहा है, 2.5 साल हुए ना, तो 2.5 साल में आप पहुँच गए, 2.5 साल में हम पहुँचे, 2.5 साल में आ गए हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी साथ हैं, जिनको पट्टी साहब करना की ज्यादा सर इंशाल्लाह इन्हें मैं 7 महीने मगर लाके स्टेज तोड़वाए ने। हाँ। और इन्हें नीलामी लगे हैं कर, ठीक है, इसलिए नीलामी आ जाएगी, जरा माफिया ते बैठा है खत्म हो जाएगा। दूसरा है वे कि 3.5 अरब रुपए की जगह है जेडी असि इन्हें 38,000 ऐसी 3 अरब रुपए की जगह ते चल रहे हैं? नहीं नहीं की है वे, ये तो सर आरजी है, ये सर आरजी शेड ने, ये आरजी ने तो दहाने आगे कि जेडे गवर्नमेंट ने बना के दिते ने, गवर्नमेंट ने पैसे लाए ने फड़ियां वास्ते,5-6 महीने 5,000 एलो एक और गल आ गई हूँ दसो ए 4,000 बन तुफैल तो नहीं कुछ नहीं कहन के तुम दस दियो साडा नंबर जा रहा साडा नंबर रख लेना जो बंदा पैसे लेंदा है उन्हें बुला लेना इससे नाम दा नहीं यार ये गल गलत है जरा बंदा पैसे ले जांदा है उन्हें ही बुला लेना इथे जरा ताडे बंदा एडा बंदा को कमरा नहीं जरा बंदा रोज दा पैसे ले जांदा पता कौन बंदा है उन्हें बुला लेना इथे सामने सामने साहब गया वो दसो भाई बुलाओ जेड़ा पैसे लेंदा क्यों पैसे ले जांदा रुपये मलिक साहब पकड़े जा रहे हैं होली होली। आप किस चीज के पैसे देते हैं? सानू इथे बैंड ले आ रही है। अच्छा कमेटी वाले लेते हैं? हाँ जी। आप यहाँ पे फ्रूट सेल करते हैं तो आप फ्री क्यों सेल करेंगे? फ्री क्या कि आप यहाँ पे बैठेंगे, ये जगह है गवर्नमेंट की जगह है तो आप ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे? नहीं सर, नहीं 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 सर, अर्थ तो सुन ले, और ये किसी को पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट के पास तो जाए तो दे दे, हम देते हैं शौक से देते हैं। वो जाते कहाँ? मेरी बात मुकम्मल, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अब ऐसे होगा इंशाल्लाह ताला अब आपसे कोई 4 या 5 हजार या 10 हजार नहीं लेगा। अब आपने भी कुछ थोड़ा सोचना है, आवाम की भी कोई जिम्मेदारी है। अच्छा जी हमें रुपया ले लो, हुकूमत को जा रहे हैं रसीद दे दो, रसीद लाओ गवर्नमेंट के पास जाएंगे जो लीगल तरीके से होगा वैसे होगा। आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, ये ऑन एयर हम बात कर रहे हैं। अगर आपने किसी को पैसे दिए या अगर आपका ये शेड तोड़ने के लिए आते हैं तो कंप्लेन सेल का ऑफिस बना हुआ है, लाहौर कंप्लेन सेल हमारे बैठे हैं, मुझे बताएं कि यार क्या प्रॉब्लम है। साडा नंबर भी थल्ले चल रहा है, नंबर दे के जाना भाई, फौरन फोन करना, अभी फिर आ जाएंगे। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशानी लेनी है, घबराना नहीं है आपने, ये खान साहब ने कहा था कि बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने नहीं घबराना। अब आपने बिल्कुल गलत पैसे किसी को नहीं देने, अगर कोई आपसे गलत पैसे लेता है तो आप कितने लोग इकट्ठे होके आओ मेरे पास। भाई तुसी भी कोई पैसे देंदे हो? भाई साहब पैसे देंदे हो? किन्नू देंदे हो? मैं तो आरती को देता हूं जिसे लिया। कितने? 6,000। 6,000 रुपया आरती को भी देते हैं?
वाह वाह वाह, मतलब साहब लोग पैसों पे पैसे कमाई जा रहे हैं। मसला ये है कि आरतिया पीछे बैठा हुआ है, आगे उसने सबलेट किए हुए हैं काम, जो असल में रियलिटी ये है। वो सबलेट करके ना तो पैसे इनसे वो वसूल कर रहा है, पीछे बैठा हुआ है, वो खुद काम नहीं करता, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। कि जितने यहाँ लेते हैं ना, अब आपने स्टार्ट कर दिया तो अब एक्शन होगा इंशाल्लाह, ऐसे नहीं जाएंगे। सर इसके लिए मैंने 18 अगस्त को एक लेटर लिखा था स्पेशल सेक्रेटरी साहब को, सीएम साहब को भी उसमें दिया था, चीफ मिनिस्टर साहब को भी, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मेरे आने से पहले ये शेड अलाट हुए हुए हैं, लोगों को मिले हुए हैं, और यहाँ पे संसों का मसला है, इसकी स्क्रूटनी करके इनको असल जगह पे अलाट। आपको भी ना कम अज कम महीना एक ब्रीफिंग 3 महीने लेनी चाहिए थी। खान साहब कहते हैं ब्रीफिंग ले लिया करें, तुम भी क्या मैंने चेयरमैन ला रहे, लग जाओ फटाफट चेक तो कर लेंगे, करना की सी। आए मरे साहब वो तुफैल को ढूंढते हैं, ये आगे गांधी है, हम आगे अच्छी पीटी खाते ही आ रहे हैं। देखो जरा नजर कैमरा घुमाए जरा उधर देखे जरा, ओ हो सफाई है, सफाई है, क्या कहा आपने, सफाई हुई है। मरे साहब आपकी कदम मुबारक है, पैसे ले रहे थे को बंदा नाजरीन, सेक्रेटरी साहब को पता नहीं है वो कौन है, चेयरमैन साहब को पता नहीं है वो कौन है, वो जो शिकायत सेल के चेयरमैन है वो हमारे साथ हैं, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं बंदा कौन है, रुपये कमा रहा है खान साहब, वो खजाने में नहीं जा रहा, ये हम पता करने आए हैं कि वो किसकी जेब में जा रहा है, पता कर लेंगे हम। ओदी सारिया फ्रॉडियां दे तुसी हिस्सेदार हो तो तुहानू कुछ नहीं मिल रहा, सानू कुछ नहीं। ओ यार आप आरतियों के सदर, मार्केट के सदर हैं। आप यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? यहाँ अभी अलॉटमेंट नहीं ना हुई 2011 से ये वो कहते हैं आप अदालत में थे। नहीं, कुछ हमारे दोस्त जिनको कुछ मसले मसाइल थे कुल असंसों के और दूसरे, उस वजह से अलॉटमेंट नहीं हुई। अच्छा, तो आप अदालत में चले गए? दोस्त गए हमारे अदालत में, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने क्लियर करवा दिया, कोशिश भी कर रहे हैं कि अलॉटमेंट हो जाए इंशाल्लाह जी। वो केस सारे ख़त्म हो गए हैं, 7 माह लगे हैं। अब हमारी जो 1 तारीख को जुमे वाले दिन सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग थी, वो इस हफ्ते में दोबारा है, तो इंशाल्लाह ये बात हो जाएगी, आबाद हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। तो इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट को सालाना 8 करोड़ रुपया रेवन्यू सालाना आएगा। 8 करोड़ रुपया का मतलब किसी और बंदे की जेब से जा रहे हैं। माशूक साहब किधर है? हाँ माशूक साहब आ जाए, कितना प्यारा नाम है आपका, किस तरह रखा है? मेरी नानी ने। ओह माशाल्लाह, क्यों? वो नाम मकसूद था। अच्छा, बाद में मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, पता नहीं उसको क्या नजर आया, माशूक, उसने कहा माशूक रखो इसका नाम, लबे माशूक। जी जी, ये हमारे माशूक का ख्याल रखना, बात आपने ज़हन में रखनी है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि वो पहली गवर्नमेंट जा चुकी है, अब इमरान खान की गवर्नमेंट है, और इमरान खान वो हीरा जिसकी कोई कीमत नहीं है, कमाल हीरा, उसको कोई खरीद नहीं सकता, बिल्कुल हीरा। आप लोगों का साथ है ये, हमें इसमें हम खत्म करेंगे इनको, ख्याल रखना। माशूक साहब का मामला जो है ना, वो थोड़ा सा पेंडिंग करे, हमारा जो अलॉटमेंट का इशू वो भी कर लेते हैं, खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये पकड़े जरा करें रिक्वेस्ट। 2011 से ये मंडी जो है यहाँ शिफ्ट हुई है, नून लीग की गवर्नमेंट थी, अब अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, तो आप काइंडली हमारा जो अलॉटमेंट का इशू है उसको क्लियर करें, ताकि हम यहाँ ये मंडी आबाद हो। ये मसला तो हम सॉर्ट आउट करवा देंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो करप्शन हो रही है, जिन लोगों ने पहले से की है, इतनी दूर से वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खजाने में वो पैसा नहीं गया, वो पैसा किधर जाता रहा, इसकी जांच पड़ताल भी होगी, होगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम इंशाल्लाह। ये अभी 2-3 दफा ये तुफैल के साथ मेरा झगड़ा हुआ। अच्छा, हो गया। पूछता हूँ मैं, मैंने कहा कि किस बाल के पैसे ले रहे हैं? हाँ। अगर लेते हैं तो हमें पर्ची दे दे। हाँ। पैसे आप इस मंडी के सदर हैं, तो आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि ये जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी जो शिकायत है, इनके जो मसाइल हैं, आप भी इनको सुने, और इनको हल करने के लिए अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप हमारे तो फॉरम पे जाएं, बात करें, हमारे लिए पहले सवाल का जवाब दें मलिक साहब। जो मसला आता है वो हम हल करते हैं। अच्छा, ये जो ठेका है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ठेका है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, हाँ इनके साथ ज्यादती हुई है तो वो उसकी ज्यादती, तो वही ज्यादती, वो देखे ना लोग जा रहे हैं, अच्छा मुफ्त ही निकल जाएंगे मैं लग रहा है। इमरान खान कह रहा है
जो हमारी टीम में गलत काम कर रहा है उसको पकड़ो। पकड़ो, हम पकड़ने जा रहे हैं। आपकी टीम में कोई गलत काम कर रहा है उसको पकड़ो। ये हुकूमत है। बिल्कुल, हाँ इंशाल्लाह होगा, ये होगा। हम इमरान खान साहब के मिशन के साथ हैं, ऐसा हीरा नहीं लभना सानू। कितनी पर्ची कट के देंगे हो, की हिसाब दी है? रक्षा की पर्ची 50 रुपए है। नहीं है, पर्ची तो कटती है, पर्ची तो लिखा नहीं, टांगे की कट रहे हो, कार दी कट रहे हो, सारी कठी है, चीज आएगी कठी है। एदे लिखे मोटरसाइकिल 30 रुपए, साइकिल 20 रुपए, मतलब सब पढ़ते जाए। चिंगजी रक्षा 50 रुपए, कार 50 रुपए, गधा गाड़ी 50 रुपए, सारे 100 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या पता कि जितनी पर्चियां गुजरी हैं उस पर साइकिल गुजरी है या चिंगची गुजरी है या रक्षा गुजरा या ट्रक गुजरा? उसमें ये है कि मैं बताता हूँ कि ये करप्शन ये बंदा कर सकता है अपने मालक के साथ, ठेकेदार के साथ। कितनी मर्जी एंट्री पै जाए, जितनी मर्जी नहीं एंट्री सर। भाई भाई रोगी किन्ने पैसे लैंदे ने रोज आन जान दे तुहाडे कोल? ऐ सर जी हुण 50 रुपए दे हमने। ते आन टाइम भी नहीं? अच्छा आन टाइम नहीं लैंदे, जान टाइम 50 रुपए देंदे हो? हां जी। पर्ची लैंदे हो? हां जी पर्ची देते हो। पर्ची ते तुहाडा मार्क मूर्क नहीं कीता कि की लैके चले? ना पर्ची दे सी, बाहर चले सुट देनी बस। हां ओही रोला पै गया। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਖੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਕੁਛ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਆਪ ਘੰਟਾ ਗਾੜੀ ਲਗਾਏ, बाइक लगाए, वो 10-10 रुपए हर घंटे के हिसाब से। ये भट्ट साहब मैं आपको बताऊं, ये जो ठेकेदारों का सिस्टम चल रहा है बहुत पुराना है और ये बहुत बड़ा माफिया है। इनकी बहुत दूर तक जो इनकी रसाई है, ये अभी मैं कह रहा हूँ, ये सेक्रेटरी साहब इधर खड़े हैं, फयाज भट्टी साहब खड़े हैं, भट्टी साहब नोट ले लें, भट्टी साहब आपने और सेक्रेटरी साहब आपने इस माफिया के खिलाफ खड़े होना है, ठीक है, और इनको इनका खात्मा करना है। ये गरीब लोगों का यहाँ पे खून चूस रहे हैं, इनका खात्मा करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। मलिक साहब ने कहा कि आपने खड़े होना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल खादे जा। सात महीने हुए ने, 31 मार्च मैं चार्ज लिया, 16 आया, 31 ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਮਿਲੇ ਨੇ 1 ਅਰਬ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ। 1 ਅਰਬ 32 ਕਰੋੜ, 32 ਕਰੋੜ ਸੀ, 1 ਅਰਬ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, 32 ਕਰੋੜ ਸੀ, 1 ਅਰਬ 32 ਕਰੋੜ, 1 ਅਰਬ 32 ਕਰੋੜ, ਹੁਣ 2 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2 ਅਰਬ 90 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਲੈ, 3 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਕੌਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਅਰਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਾਨੇ ਕੀ, ਉਸਮੇ अब उसका क्या होगा वो आगे बताएंगे। लेकिन जो पैसा यहाँ से इलीगल जा रहा है, पर्ची के बगैर जा रहा है, आप जब भी कहीं जाएं, जिस जगह पे भी जाएं, सरकारी जगह पे जाएं, जिस किसी को पैसे दें उसकी पर्ची ज़रूर लें, वो पर्ची पे लिखा हो कि ये पैसा फलां जगह पे जा रहा है, फलां बंदे को जा रहा है, फलां हुकूमत को जा रहा है, आपके पास सबूत हो। बगैर सबूत के किसी भी खड़े हुए बंदे को पैसे ना दें। अगर वो आपसे पैसे मांगता है, बदमाशी करता है, तो किसी रेलेवेंट बंदे को शिकायत करें। ये शिकायत करने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर ऐवें ही सुनते तो साडा नंबर थले आ रहा, उहदे ते शिकायत कर देना, असीं पहुंच जावांगे। अपना ख्याल रखें, मुझे ज्यादा दिन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।